सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं कि दोस्तों आपके भी अगर कैलकुलेटर में डिलीट हो गया है फ़ोटो, आपने कोई पर्सनली फ़ोटो रख रखा है और वो डिलीट हो चुका है, तो आप उनको किस तरीके से वापस ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बड़ी आसान सी ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में कैलकुलेटर को यहाँ पर कर लेता हूँ ओपन। उसके बाद दोस्तों इसका यहाँ से आपको लॉक खोल लेना है। जैसे हम इसका लॉक खोलेंगे तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा एक देखने को, तो यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक फ़ोटो लेकर बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल में एक फ़ोटो को कर लेता हूँ सिलेक्ट। सबसे पहले इस फ़ोटो को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर ये आ चुका है हाइड, है ना। अब इसको मैं आपको डिलीट करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आपके भी दोस्तों इस तरीके से डिलीट हो चुका है तो इसको आप वापस किस तरीके से ला सकते हो। तो वहाँ से डिलीट करने के बाद का इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस जो एक ट्रेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, जो हमारे कैलकुलेटर में फ़ोटो डिलीट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको रिस्टोर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे अपने वापस इस लॉकर में। लॉकर में जाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट कर लेना। वेट करने के बाद आपको एक तो यहाँ पर वो फ़ोटो दोस्तों वापस आ चुका है। आई होप कि गाइज ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो वाकई में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों।